जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आपका जो सेशन चल रहा था संविधान का, आज संविधान का चैप्टर मैंने नीति निषेध तत्व खत्म कर दिया था। दोस्तों आज एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मूल कर्तव्य, यानी कि आज जो हमारा संविधान में एक चैप्टर है, यानी मूल कर्तव्य, यानी संविधान में आज हमारा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य। देखिए संविधान में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशंस में, कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों आज होगा मूल कर्तव्य। क्या होगा? मूल कर्तव्य, जिसे हम बोलते हैं इसके, देखिए इसे जब भी आपका ध्यान दीजिएगा मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इसे, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। कभी क्या होता है दिमाग से उतर भी जाता है ये आखिर इसको कहते क्या है। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी दोस्तों, हुआ क्या, जब हमारा मूल अधिकार बना तो जो संविधान निर्माता थे वो किए क्या, हमारे जो कर्तव्य थे उन्होंने क्या किया उसमें जोड़ा ही नहीं। यानी कि उसमें क्या कहा कि जब संविधान बनाया तो मूल अधिकार में क्या किया, इस मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा। इसको किस में जोड़ा, इसको जोड़ा क्या कि एक अलग से एक भाग बना दिए। तो भाग बनाने के बाद जो हमारा भाग, इसके लिए एक अलग सा भाग बना दोस्तों, भाग चार क, जो भाग चार क है इसमें केवल एक ही अनुच्छेद का वर्णन है, केवल एक अनुच्छेद। वो अनुच्छेद कौन है, जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद हमारा था दोस्तों 51 क, यानी कि 51 क का बस इसमें वर्णन किया गया था। और जो हमारा वर्णन किया गया था, और इस ये हमारा जो मूल कर्तव्य था किस देश से प्रभावित था, तो जो रूस संविधान था, यानी कि रूस के संविधान से। ध्यान देना, जो हमारा रूस का संविधान था ये कहां से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। यानी कि अगर पूछता है कि हमारा जो मूल कर्तव्य है किस संविधान के देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन लिया गया है। और जैसे में हमारा जो भी देश है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और हमारा अमेरिका है, वो क्या किया कि इसका वर्णन अपने संविधान में किया ही नहीं है। तो आखिर में और कौन सा देश है जो अपने संविधान में इसका वर्णन किया है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे भारत के बाद एक जापान देश है। जापान ने क्या किया, इसका अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने देश में प्रयोग किया, यानी कि जापान ने भी कहां से, रूस से ही लेकर प्रयोग किया। अगर आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है आपके किस देश से लिया गया है, तो आप कौन सा जवाब देंगे दोस्तों, जो हमारा रूस का संविधान था दोस्तों वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। इसका वर्णन भाग चार क में है और एक ही अनुच्छेद, इसमें कुल अनुच्छेद चार, अरे अनुच्छेद 51 क दोस्तों। इतना आपको बात समझ में आ गई। देखिए इसका निर्माण कब किया गया, इसकी सिफारिश कौन किया, तो जो हमारे कांग्रेस सरकार थी, यानी कि 1976 में केंद्र सरकार में, यानी कि केंद्र सरकार ने लिखा, मैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक क्या समिति बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया। गठन कह सकते हैं या तो क्या करते, स्वीकार किया, सिफारिश पर इसको इसको स्वीकार किया। जब स्वीकार किया तो एक जो मेंटल थे, ध्यान देखना, जो उस समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और उसी समय केंद्र में अर्थात कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस सरकार को क्या करना था, मूल कर्तव्य क्या करना था, लागू करवाना था। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जो राष्ट्रीय आपातकाल से पूछता है कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी किस सन पूछा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था यानी कि 1975 से 1977 तक, इसी समय हमारा क्या था, मूल कर्तव्य जो था लागू हुआ था।
मूल कर्तव्य कब लागू हुआ था? मूल कर्तव्य कब लागू हुआ? 1976। लेकिन इसके दौरान जब आया मूल कर्तव्य हमारा, जब मूल कर्तव्य आया तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तो जो सरदार सिंह स्वर्ण सिंह, देखिए ध्यान से पूछता है क्वेश्चन आपका कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जब सिफारिश की गई थी तो उस समय हमारे मूल अधिकार मूल कर्तव्य कितने थे? तो ध्यान देना, जब हमारा ध्यान से ये पॉइंट याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के दौरान केवल 8 मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान देना, यानी कि जो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था? 8 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। 8 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था दोस्तों। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था आप बताइए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई थी? मूल कर्तव्यों की संख्या इस समय हमारी 10 थी। कितनी थी? 10 थी। लेकिन हमारे पढ़ते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य वो 11 हैं। तो एक और संशोधन के तहत कब, जब हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं इस पॉइंट को, आप परीक्षा में आपसे पूछता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन था कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या किया गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब ये बताओ आप मुझे कि 86वां संविधान संशोधन, मैंने एक बताया था कि अनुच्छेद 21 का आप पढ़ते रहिए, मैं पूरा कंटिन्यू आपका रिपीटेशन करवाता रहूंगा। जो 86वां संविधान संशोधन के तहत किस शब्द यानी कौन सा कर्तव्य था जो जोड़ा गया था? तो 86वां कर्तव्य में यह बताया गया था कि ध्यान से समझना, ये कहा गया था 86वां संविधान संशोधन के जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। यही आपका 11वां मूल कर्तव्य है। ये हमने जो कंडीशन बताई समझ में आपको आई? इतनी पॉइंट अगर आप याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में जो मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वे आपकी होते हैं। ये पूरी बात आपको समझ में आई? अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन के मूल कर्तव्य का जो संशोधन किसके तहत, ये किस समिति के तहत जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। फिर हमारा कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन में 2 मूल कर्तव्य और जोड़े गए और वो मूल कर्तव्य के साथ 10 हो गए। पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और उसमें वर्णन किसका था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। अब देखते हैं कि वो हमारा मूल कर्तव्य कौन थे। तो चलिए देखते हैं 11वां मूल कर्तव्य, सभी 11 मूल कर्तव्य में क्या क्या है। चलिए देखिए मूल कर्तव्य आपके, देखिए दोस्तों
जो हमारा अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि कौन सा क्या कर्तव्य, जो लोग कहते हैं ना कि बताओ कहां संविधान में लिखा है ऐसा कि ऐसा हमें करना है, तो उसे क्या करना, अब उसे संविधान का मूल कर्तव्य दिखा देना कि तुम्हें क्या क्या करना है भारत में अगर रहना है तो तुम्हें क्या क्या करना है। तो देखो भारत में जब रहना है तो अनुच्छेद 51 क के तहत, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, नंबर एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं ना उसके लिए कर्तव्य दिखा देना कि अगर भारत में रहना है तो आपको इसका क्या करना होगा, पालन करना पड़ेगा। तो कहते हैं ना लोग कि क्या बताओ संविधान में क्या लिखा, संविधान में कहां लिखा है, उसे भारत का अनुच्छेद 51 का दिखा देना और कहना देखो यहाँ पर संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर दो क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे हमारे भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, जो इनके आदर्श है, आदर्श मतलब इन्होंने क्या क्या आंदोलन को प्रेरित करने के लिए क्या क्या संजोए, यानी कि जो भी चीजें इन्होंने उत्थान के लिए क्या बढ़ाया, उन सभी को क्या करेंगे, इनका सम्मान के तहत हम इसको अपने दिल में सजाए रखेंगे, यानी कि इनका सम्मान करेंगे। और देख रहे हैं 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर में लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया, तो उनके आदर्शों के बारे में पढ़ेंगे और अपने दिल में यानी संजो कर रखेंगे कौन कौन सी चीजें प्रेरित करनी थी, यानी कि ये सब हमारा नंबर दो में था। नंबर तीन क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण रखें। अक्षुण मतलब बनाए रखें, मतलब संप्रभुता मैंने बताया था, संप्रभुता एकता बताया था, अखंडता बताया था, मतलब हमें अगर भारत में रहना है तो मिलजुल कर रहना, एकता के द्वारा, और अखंडता मतलब इसकी जो भी कई प्रकार संस्कृतियां हैं किसी भी जाति धर्म प्रदाय से उसको जोड़ कर रखे रहना है, ये हमारा कर्तव्य है। फिर आपका चौथा क्या है, चौथा कर्तव्य हमारा है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब कि जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो देश में अगर आपसे कोई कहता है कि ना इस संघ से कि हाँ हमें आप मिलकर क्या करना है, रक्षा करनी है, तो उनके आह्वान यानी कि बुलाए जाने पर हमें जाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। फिर पांचवा हमारा क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समर सत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसत्ता मतलब सब में मिलजुल कर रहना, भातृत्व समान भातृत्व मतलब भाईचारे का प्रयोग करना और करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब ये नहीं करना है कि मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई, इससे यदि हमसे दूर रहो तुम दूर रहो, ऐसा नहीं, धर्म से नहीं, भाषा से नहीं, मतलब ये तमिल बोल रहा है, ये कन्नड़ बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और हिंदी बोला है, तो इससे हमें दूर रहना है, ये सब नहीं करना है, सबसे हमें मिलजुल कर रहना है अगर भारत में रहना है तो, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी से भेदभाव नहीं करें। देखते हैं मुंबई में लोग क्या करते हैं, यूपी बिहार के लोगों को कहते हैं कि ये तो बहुत गए गुजरे, लेकिन नहीं, वो कहीं भी रहो सबसे साथ मिलकर रहना, आपका किसी भी वर्ग से हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। आप क्या करेंगे, भारत में रहना है तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लड़कियां होती है, चाहे जो भी स्त्रियां होती है, माता का सम्मान दिया जाता है, अर्थात उन्हें आदर का भाव देखा जाता है, अर्थात हमें क्या करना है, वो सामना यानी कि जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है उसका हमें त्याग करना है, ठीक है। और हमारा छठवां जो था, छठवां है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। मतलब हमारी संस्कृति क्या है, हमारे समय में जैसे मैं आप देखते हैं बिहार में क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उसमें अच्छे अच्छे लोग आए, लोग क्या करे उसको खत्म करे नहीं कि नहीं, हमें क्या करना है उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है, अर्थात जो भी है हमारे गौरवशाली परंपरा संस्कृति उसे बनाए रखना है और सब जगह बिखेरना है, संस्कृति से हमें दूर नहीं भागना है, ठीक है। हमारी संस्कृति या संस्कार ही हमारी पहचान है, अर्थात भारत का देखे हैं कि भारत के लोग घूमने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखकर लोग क्या करते हैं, घूमने आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, घूमने आते हैं, यानी कि पर्यटन पर आते हैं। चलिए हम आगे, 6 आपका ये आदर्श थे और 5 और आदर्श देखते हैं। देखिए पांचों और कौन कौन है, देखिए आगे, देखिए दोस्तों 7वां क्या था, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि अनुच्छेद 48 को याद होगा आपको कि अनुच्छेद 49 को में मैंने यही चीज पढ़ाया था कि आपको करना क्या, पर्यावरण की रक्षा करनी है। और ये जोड़ा कब गया था क्या उनका में, लेकिन अच्छा वर्णन देखेंगे 48 को में भी है कि नहीं। तो जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है सबकी रक्षा करना होगा, और जितने भी प्राणी मात्र मतलब जैसे जानवर हो गए उनके प्रति हमें क्या करना है, दया भाव रखना होगा। ये नहीं कि देख गए कुत्ते को तुरंत ढेला लेकर मारो। देखते हो गांव में अधिकतम लड़के यही करते हैं, तो आप ऐसा मत करना, ठीक है। सबको प्रतिभाव यानी कि प्रति दया भाव रखने की कोशिश करो, ठीक है। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद मतलब मानवता, ज्ञान अर्जन मतलब जहां से ज्ञान मिल सके वहां से क्या करो, इकट्ठा करो यानी कि अपने अंदर अर्जन करो मतलब पढ़ो। और सुधार की भावना मतलब बिगड़े हुए कोई अलग गलत व्यवहार कर रहे हो तो उसे सुधार करके अच्छा व्यवहार करो। ये आपको संविधान के 8वें कर्तव्य में कहा गया है। और यहाँ तक किसमें 8ही तक कहा था किसने, सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्यों के यहाँ तक वर्णन था। लेकिन आपका जो मैंने बताया कि ये 3 जो आपका है यहाँ पर 2 जो बचते हैं ये आप याद रखना। 42वां संविधान संशोधन कमेंडेंट यानी 1976 के द्वारा जुड़ा गया, क्या कहा गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो और हिंसा से दूर रहे। मतलब देखते हो कि गांव घर में विद्यालय जो रहता है उस पर क्या करना है आपको, सुरक्षित रखना है। जो मंदिर है उसको भी सुरक्षित रखना है, और ज्यादा मारपीट किसी से भी नहीं करना था, हिंसा से एकदम दूर ही रहना है। फिर क्या करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब अपने आगे बढ़ने की कोशिश करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो देख रहे हैं कि दिन पर दिन हमारा देश क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है यानी विकास कर रहा है। तो ये हमारा अनुच्छेद 10 अरे मूल कर्तव्य 10 में कहा गया। अब आया अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 मैंने बताया कि किसके, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत तो इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्या था, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि अगर किसी का भी बच्चा है अगर 6 से 14 वर्ष का है तो उसे हर हालत में शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है। बात समझ में आई दोस्तों, इतना समझ में आया, अगर पूरी पॉइंट समझ में आ गई हो तो थोड़ा समय इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि कौन सा संशोधन के तहत कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया है। और मैंने इसका आपको पूरा डिटेल बता दिया है। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पूरी समझ में आ गई पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछ दूं एक चीज, मान लो जो संशोधन किया जा रहा है, जैसे यहाँ संशोधन किया गया, यहाँ संशोधन किया, संशोधन यहाँ किया गया, अगर मान लो मैं ये पूछ दूं कि बात कि जो संशोधन किया जाता है किस भाग में वर्णन है और किसको संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, तो मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से देखना, जो भाग 20 है, भाग कौन 20 जो है, इसके अनुच्छेद 368 के तहत, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद है, संसद है भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अगर आपसे पूछता है जो हम संशोधन कर रहे थे यानी कि संशोधन कैसे आपका डेवलप हुआ, तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है तो भारतीय संविधान में क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। लेकिन जब भी कोई विधेयक पारित होगा कहां पर, लोकसभा में या राज्यसभा में, कहां पर लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक अगर तैयार होगा, अगर विधेयक बनता है, अगर विधेयक बिल पास किया जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही अधिनियम या कानून बनेगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। बात याद रखना, याद रहेगा कि नहीं ये बताओ।
बात पूरी समझ में मेरी आ रही है कि नहीं, पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अगर आ रही है तो बताओ। अगर यही पूछ दे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो आपको बताना कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान देना, जो संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है। अगर पूछे आपसे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। नंबर एक, संसद के साधारण बहुमत से। नंबर दो, संसद के विशेष बहुमत से। और तीसरा जो है, जो तीसरा, ध्यान से देखना, जो तीसरा पॉइंट है आपका, जो तीसरा है, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे विधानमंडल की सहमति से। ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका, ध्यान से ये आपके लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो संविधान अगर पूछता है एग्जाम में, तो जो संविधान का संशोधन है वो किसके तहत किया जाता है, तो जो संविधान का संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अधिकार प्राप्त है कि बस भाग में, यानी भाग के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। जब लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह अधिनियम या कानून बनता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत तथा आधे विधानमंडल की सहमति से। चलिए, इतना आपको समझ में आया दोस्तों, कमेंट करके बताइए समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए बता डालिए दोस्तों, अगर मैं पूछ दूं कि अगर यह करता है संशोधन अगर करेगा इस तीन तरीके से, लेकिन संशोधन करने के दौरान संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन किए बिना करना होगा, अर्थात मूल संरचना को ध्यान में रखकर संशोधन करें। ये नहीं कि मूल संरचना क्या है जो संविधान उसको क्या करेगा, ये नहीं है कि संसद क्या करेगा आपका कि उसको अलग ही कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। उसे मूल संरचना का ध्यान रखकर ही संशोधन करना होगा। बताओ, ये पूरा पॉइंट समझ में आया? फंडामेंटल पॉइंट समझ में आई? अगर समझ में आई दोस्तों, आपसे मैं यही कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। और अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करिए, जिससे मेरा भी मनोभाव क्या रहे, बढ़ता रहे, और आपको अच्छी अच्छी क्लासे में जो चीजें रहती है जीके जीएस का आपको पूरे पॉइंट को समझा जू। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपका क्लास यही प्रबंध करता हूँ, अगला क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।